हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। उसके बाबी की फुल स्क्रीन गेस्चर कैसे यूज़ करते हो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। एंड फुल स्क्रीन गेस्चर ये होता है कि आपका बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप बटन को हाइड भी कर सकते हैं, तो वो फुल स्क्रीन गेस्चर में ही होता है। तो कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊँगी। उसको हम नेविगेशन बार कहते हैं, कभी कभी नेविगेशन गेस्चर या फिर आप नेविगेशन भी कह सकते हैं। तो सेम है उन सभी चीज़ को फुल स्क्रीन गेस्चर होगा मिलाकर। एंड बट कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे बता रही। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। मेरे पास और वन प्लस का फ़ोन है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख जाता है और कम्युनिकेशन टूल्स एंड इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नेविगेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, देख सकते हैं आप। एंड इसके बाद अगर गेस्चर पर क्लिक करते हैं तो डू नॉट इस पर क्लिक कर देंगे एंड लर्निंग और इस पर क्लिक करेंगे, उसको कट कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आपका जो बटन है हाइड हो चुका देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करते फिर से बटन शो होने लगेगा, देख सकते हैं। एंड अगर इस पर क्लिक करते फिर से बटन शो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप जब ऐसे हो तो फ्रेंड्स आप कैसे यूज़ करेंगे बताएंगे। बिना बटन का जो इस तरीके से होता है ब्लैक रंग का, वो आपका बैक वाला बटन होता है, इधर से ही बैक होता है, देख सकते हैं आप। एंड इस तरीके से होम होता है ये। एंड इस प्रकार स्लाइड करके रखते हैं तो ऐसे ऐप नज़र आ जाएंगे आपको। एंड इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है, देख सकते हैं आप कितना आसानी से बैक कर पा रहे हैं। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ करेंगे। अब वापस बटन शो करना है तो सेटिंग को ही ओपन करेंगे। एंड इसके बाद आपको फिर से कन्वीनियंस टूल्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नेविगेशन पे क्लिक करना है, फिर से बटन्स पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से और बटन शो होने लगेगा। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन गेस्चर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।